इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सीजन खिलाड़ियों के लिए और भी ज्यादा शानदार साबित होने वाला है। इस साल खिलाड़ियों की कमाई कुछ ज्यादा ही होने वाली है, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल में एक नया नियम लागू किया जिससे खिलाड़ी मालामाल हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक ऐतिहासिक फैसले में अगले आईपीएल सीजन से खिलाड़ियों को मैच फीस दिए जाने का ऐलान किया है, जिससे एक खिलाड़ी को अपनी सैलरी के अलावा 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। पहले आईपीएल में खिलाड़ियों को उतना ही पैसा मिलता था जितने में वो बिकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बीसीसीआई के नए नियम ने खिलाड़ियों का रोमांच बढ़ा दिया है। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, आईपीएल में प्लेयर्स को मिलेगी मैच फीस। एक मैच की फीस होगी 7.5 लाख रुपए। लीग के 14 मैच खेलने पर खिलाड़ी को मिलेंगे 1.5 करोड़। सरल भाषा में समझिए तो अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में 1 करोड़ रुपए में बिकता है और वो अपने सीजन के पूरे 14 मैच खेलता है तो उस खिलाड़ी को मिलेंगे कुल 2.5 करोड़ रुपए। ऐसे में उन खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा जो ऑक्शन में ज्यादा रकम पर नहीं बिक पाते हैं। अगर वही आईपीएल के रिटेंशन के नियम की बात करें तो इसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। आईपीएल में अधिकतम 5 खिलाड़ी होंगे रिटेन। ऐसे में टीम कुल 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। इस आईपीएल में टीम के पास ऑप्शन है कि वो रिटेन खिलाड़ियों में भारत और विदेशी किसी भी खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, लेकिन इन रिटेन खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी को भारी भरकम रकम खर्च करनी होगी। बीसीसीआई ने रिटेन हुए खिलाड़ियों के लिए सैलरी स्लैब तय की है। फ्रेंचाइजी को उसी के हिसाब से खिलाड़ियों को रिटेन करना होगा। बीसीसीआई सैलरी स्लैब की बात करें तो फर्स्ट रिटेंशन प्लेयर के लिए 18 करोड़ खर्च करने होंगे, वहीं दूसरे रिटेंशन खिलाड़ी के लिए 14 करोड़ रुपए, तीसरे रिटेंशन खिलाड़ी के लिए 11 करोड़ रुपए, फिर से चौथे रिटेंशन खिलाड़ी के लिए 18 करोड़ और पांचवें रिटेंशन खिलाड़ी के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे में इस आईपीएल ऑक्शन का रोमांच और भी बढ़ गया है। देखना दिलचस्प होगा टीमें किस तरह की तैयारियों के साथ इस ऑक्शन में उतरती हैं।